पिछली परीक्षाओं में देखा गया है कि प्रतिरोध पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे से समझने हैं। तो एन समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर इन्हें ही समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। माने दो हैं श्रेणी क्रम में तो दो समांतर क्रम में, तीन श्रेणी क्रम में तीन समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का जो अनुपात निकलता है हल करने से, वो कितना निकलता है आपका एन स्क्वायर, ठीक है, एन वर्ग आपका जो है अनुपात निकलता है। आपका जो क्वेश्चन है बहुत सरल है, विद्युत मोटर, क्या क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। माने जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है। तो प्रिय छात्रों एक बात ध्यान से सुनो, यांत्रिक काम क्या होता है, आप साइकिल चलाते हैं वो यांत्रिक काम है, आप कोई वस्तु उठाते हैं वो यांत्रिक काम है, आप किसी चीज को घुमाते हैं तो वो यांत्रिक काम है, ठीक है। तो देखो, तो जो विद्युत मोटर होती है, ऐसे पंखा की मोटर है उसमें भी विद्युत मोटर है, वो क्या करती है, वो लाइट खाती है, माने विद्युत खाती है, विद्युत खाने के बाद वो क्या करती है, वो यांत्रिक काम करती है, माने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, क्या, विद्युत मोटर। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, विद्युत धारा का श्रेष्ठ चालक क्या है। माने प्रिय छात्रों समझो आप, ऐसे इसका उत्तर तो चांदी हो गया, इसका उत्तर तो आपका चांदी हो गया। अब क्यों सर ये श्रेष्ठ चालक क्यों, और क्या होता है श्रेष्ठ चालक। तो प्रिय छात्रों किसी का पंखा फूक जाए, दुकान पर जाना, दुकान पर जाओगे तो वो कहेगा एक पंखा भर रहा है आपका 300 रुपये का, एक भर रहा है आपका 500 रुपये का। आप कहोगे ऐसा क्यों है, तो वो 300 रुपये का पंखा भरेगा उसमें एल्यूमिनियम के तार होंगे, जो पंखा 500 का भरेगा उसमें कापर के तार होंगे, और जो पंखा आपका 25,000 में भरेगा उसमें आपके चांदी के तार होंगे। अब उसमें चांदी के तार होंगे तो पंखा आपका जल्दी से फूकेगा नहीं, ये चलेगा 2 साल, वो चलेगा तो 20 साल, ठीक है, क्योंकि उसकी चालकता देखो, वो श्रेष्ठ चालक है क्या, चांदी। चांदी के बाद नंबर आता है आपका तांबे का, उसके बाद फिर आपका एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या आपका, चांदी। एक विद्युत परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है, अमीटर का पाठ्यांक कितना है आपका 2 एम्पियर है, तो प्रतिरोध धार का मान क्या होता है। तो आपका इसका सही उत्तर है आपका 1 ओम, 1 ओम आपका सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को कहां पर रखना चाहिए जिससे वस्तु के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बने। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, ठीक है, आभासी नहीं होना चाहिए। तो उत्तल लेंस के सामने आप वस्तु कहाँ रखेंगे, तो वस्तु आप रखेंगे लेंस की जो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर आप वस्तु रखेंगे। माने वस्तु कहाँ रखेंगे, आप 2f पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे 2f पर वस्तु रखेंगे, तो वस्तु के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो पिछली परीक्षाओं में देखा गया है उत्तल लेंस से अवतल लेंस से बनी स्थितियां पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। अगले वीडियो में हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में आपसे बात करेंगे। अब आपके आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, आप युवा हैं, सही बात है आप युवा हैं, युवा व्यक्ति के लिए सामान्य दृष्टि हेतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अब ये न्यूनतम क्या चीज है समझो, आपके पास में मोबाइल है, आँख के पास लाओ। अब ऐसा होगा कि एक न्यूनतम दूरी के बाद आपको मोबाइल के अक्षर दिखने बंद हो जाएंगे, साफ दिखाई नहीं देंगे। यही प्रयोग आप अखबार से भी कर सकते हैं, किताब आपके सामने है, किताब को आंखों के पास लाइए, एक समय ऐसा आएगा किताब के अक्षर धुंधले होने शुरू हो जाएंगे। तो जब किताब आपकी आंखों के पास आप ले आ रहे हैं, ला रहे हैं, तो साफ दिख रही है, साफ दिख रही है, एक समय ऐसा आएगा कि अक्षर धुंधले होने शुरू हो जाते हैं। तो जब धुंधले होने शुरू हो जाएं, तो वही दूरी होती है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो होती है आपकी बच्चों कितनी पता है आपको, वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। सभी परीक्षाओं में यही पूछा गया। आप कहोगे सर ऑप्शन में तो मीटर मीटर लिखा हुआ है, तो इस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25 में आप 100 का भाग दे दो। 25 में 100 का भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे और 250 हो गए, तो 100 × 200, तो समझ में आ गया दशमलव 2। तो दशमलव 2 ऐसा कहाँ लिखा होगा, एसी में लिखा होगा, तो दशमलव
25 मीटर इसका सही उत्तर है। 5 कूलाम के एक आवेश को 20 वोल्ट के विभवांतर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। कार माने W बराबर होता है वी क्यू, वी माने वोल्ट कितना है 20 है और क्यू आवेश कितना है 5 है, 20 पंचे 100 माने 100 जूल कार्य किया जाएगा। आपका उत्तर क्या सही है 100 जूल। अब है एक क्षैतिज पावर लाइन में विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, इसके ठीक नीचे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसका आपका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व। अब है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, इसका मतलब ये है परिपथ क्या होता है, आपके घर में जो लाइट के तार हैं, अब आपके गांव के विद्युत के तार बोलते होंगे, गांव में लाइट बोलते हैं लाइट के तार, तो आपके घरों में जो तार हैं वन वायर हैं उनका जो जाल है वो परिपथ कहलाता है। परिपथ में अचानक लघु पथन हो जाए तो विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ती है, क्या होती है विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ती है। आपका है अगला क्वेश्चन एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति होगी। तो हमने आपको एक ट्रिक में बताया था, अब निकट से दूर का देखो, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लेते, नी माने नेगेटिव, तो इसकी जो शक्ति होगी वो आपकी ऋणात्मक होगी। अब आपका या तो ये उत्तर सही है आपका डी सही है, क्योंकि बी और सी तो आपके गलत हो गए, क्योंकि अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो ऋण में होती है। ठीक है, अब उत्तर इसका कैसे निकालेंगे अपन, तो पी बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर। ठीक, तो अपन इसको हल कर लेते, क्या दिक्कत है, 100/20। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 5 उत्तर आया, 5 कैसा है ऋणात्मक है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या सही है आपका 5 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में मापते हैं। इस तरह हमने आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।